गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई अनदर न्यू ब्लॉग। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का त्यौहार है जी, आज सारे मंदिर सजे होंगे, सब जगह सेलिब्रेशन चल रहा है। और यहाँ जो है मेरे ससुराल में, यादव परिवार में, तो बहुत ही ज्यादा जो है जन्माष्टमी की धूम होती है। मंदिर में सब लोग जाएंगे, बच्चों ने रखा है व्रत, दोनों बच्चे बोल रहे थे हम व्रत रखेंगे, तो तनिष और तन्वी दोनों ने व्रत रखा है, तो उनके लिए भी कुछ बना दूंगी। तो 12 बजे के बाद जब किशन जी का जन्म होगा, प्रसाद खाकर फिर वो अपना व्रत खोल सकते हैं, तो भाई उनके लिए कुछ बना दूंगी, खाने में खीर वगैरह ऐसे, और कोई पूड़ी और कोई सब्जी बना देंगे बिना ब्याज की। Later that same evening. तो गाइस शाम हो गई है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। जन्माष्टमी में बारिश आती है, बट आज नहीं आई, शायद मे भी थोड़ी देर में आ जाए। मौसम तो बढ़िया हो रहा है जी, बादल हो रहे हैं आसमान में, देख लो आप। शाम हो गई है, बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए रेडी हूँ मैं, बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। हेलो गाइस, अरे विश तो कर दो यार ऑडियंस को। गाइस सुनील जी आज किचन में काम कर रहे हैं। हेलो, क्या बना रहे हो अपने लिए? ये अपने लिए बनाते हैं, बस मेरे लिए कुछ नहीं बनाते। क्या बना रहे हो? ब्रेड सेक नहीं आती, इन्हें कुछ नहीं सिखाया नहीं मम्मी ने, मुझे नहीं आता। मेरी मम्मी ने तो सिखाया, और क्या, तभी तो खिला दी तुम्हें बना के। अच्छा, ज्यादा ना बोली, जल्दी बोलो। आप सबको जन्माष्टमी की हमारे पूरे यादव परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। यस। तो गाइस आज तनिष ने फास्ट रखा है। हेलो तनिष, इसने पूरे दिन का फास्ट रखा है भाई आज। यस। कुछ भी नहीं खाया इसने, इसको मैं बोल रही हूँ कुछ खा ले फ्रूट्स वगैरह, बट ये नहीं खा रहा। तो गाइज ये फिर भी कुछ नहीं खा रहा, बेटा कुछ खा ले, फ्रूट्स खा लेगा। शाम के 6:30 हो गए हैं, मैंने बोला एक कुछ भी खा ले, फ्रूट खा ले, कुछ खा ले अंधेरा होने से पहले। चलो जी मैं भी खाना बनाती हूँ, फिर मुझे मंदिर जाना है। अभी क्या बन रहा है जन्माष्टमी पे? बना रही हूँ मैं आलू की सब्जी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बच्चों का फास्ट है ना, तो बिना प्याज के मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। अरे आज तो कुछ बढ़िया बनना चाहिए था, आलू की सब्जी। आलू पूड़ी बनाऊंगी ना, साथ में मीठी सेवियां। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा आलू पूड़ी सेविया, फिर तो ठीक है। मैंने कहा भाई अब बिना प्याज के बनाना है, मटर नहीं गया थी, बच्चों ने मना कर दिया, तो मैंने कहा भाई आलू पूड़ी छोले में भिगोना भूल गई थी, बिना प्याज के बना देती थी। तो मैं तन में बोल रही हूँ उस दिन अच्छे बने थे आलू की सब्जी बहुत ज्यादा, तन में तो कह रहा भी उस दिन बनाई थी। मैं उस दिन, जिस दिन 15 अगस्त पे बनाई थी, कह रहा बच्चों के पापा से ही पूछ लेते मटर पनीर के बारे में। अरे आपका वर्थ थोड़ी है, व्रत रखते तो आपकी भी पूछ होती है। व्रत नहीं है तो क्या हुआ? जो व्रत रखेगा उसकी पूछ होगी। क्यों? धोगी तो अम्मी है, 3 टाइम खाना खा रहे हैं, धोगी तो हमें। अरे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया बेटा, मैंने व्रत रखना छोड़ दिया है, मैं बहुत तगड़ा व्रत रखता था। तुम्हारी शादी मेरे से होगी है, तुम क्यों व्रत रखोगे? मैं पानी भी नहीं पीता था भाई। तुम्हारी शादी होगी है, भगवान कह रहा है इसको जो चाहिए था मिल गया है। सोच रहा हूं मैंने क्यों रखे व्रत। क्या कर रहे है यार तू, मजाक है क्या? क्यों रखे मैंने ना रखता। प्रॉपर्टी मेरे नाम रखवा दी। और कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरे पास? प्रॉपर्टी तेरे नाम ही है। ऐसे नहीं ना, वैसे तो गाइस चलो वो सब छोड़ो, आप आलू की सब्जी देखो इस तरीके से बनाना, बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये मेरी जिठानी की रेसिपी है, उस हिसाब से बनाती हूँ। थोड़ा सा मैंने साबुत धनिया लिया था, थोड़ा सा जीरा लिया था, 2-3 काली मिर्च ली थी और 2-3 लौंग ली थी, उसको इस मामदस्ते में मैंने पीस लिया मोटा मोटा, ठीक है। अब टमाटर लिए हैं और यहाँ पे लिया है अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, ठीक है। इधर तेल हमारा गर्म हो रहा है, तेल गर्म होने से पहले थोड़ी सी हींग इस पर डाल देंगे, थोड़ी सी हींग इस पर डाल देंगे, ठीक है, सब्जी टेस्टी बनेगी। उसके बाद इसके अंदर लाल मिर्च छोड़ के थोड़ी सी हल्दी जैसे वो बताती हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया मसाला नहीं है इसमें, तो मिर्ची मिर्च है बस। हाँ तो ये चलो डाल लो, देखो धनिया नहीं दिख रहा, हल्दी नहीं दिख रही। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ जैसे तेल गरम होगा ना अभी आप देखना, अब आपको बताते हैं। इधर हमारी खीर भी बन रही है, देखो जी। कह रहा आसान रास्ता ढूंढते हो, चावल वाली खीर नहीं बनाते। मैंने कहा बेटा उसमें बहुत टाइम लगता है, तो आप ये वाली खाओ। मैं कहा नेक्स्ट मंडे गाइस तनिष का बर्थडे है 2 सितंबर को, तो मैंने बोला तेरे बर्थडे वाले दिन चावल वाली खीर बना देंगे, आज ये वाली बना देते हैं। काजू बादाम तो डाल दो इसमें, अभी डालूंगी ना थोड़ी पक जाए, ड्राई फ्रूट भी डालेंगे। रुको जरा, हमने बर्थडे रखा तो क्या हुआ, खाना तो पूरा खाएंगे। आए गाइस वैसे तो ये खाते नहीं है इतना, मगर जब बढ़िया चीज बनती है तो खाते हैं, जब बढ़िया चीज बनती है तो खाते हैं।
ये दिखा रहे हैं बस, ये इतना खाएंगे नहीं खाएंगे, थोड़ा सा ये पूरी खानी पड़ेगी इसके साथ। पूरी नहीं, रोटी खाऊंगा, रोटी नहीं ना, नहीं ना, पूरी का कोई चक्कर नहीं है। तो गाइस ये तेल गर्म हो गया है, ओहो तेज पत्ता पड़ी है। सुनील जी जब किचन में आते हैं ना बातों में लग जाती है, बातों में लग जाती है। गाइस ये हमने ले लिया तेज पत्ता, ये हमारा मसाला गया इसके अंदर, तेल गर्म है, और ये गया हमारा तेज पत्ता, ये गया हमारा अदरक और हरी मिर्च का तेल। में डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसको करेंगे, और गैस सिम पे रखना ताकि आपका मसाला सड़े नहीं। अब इसमें गए टमाटर, आप इस तरीके से सब्जी बनाना, इतनी टेस्टी सब्जी बनेगी। ये हलवाई वाली स्टाइल है भाई, बहुत अच्छी सब्जी बनेगी। हलवाई बनाते हैं सर तुम? आपकी भाभी, आपकी भाभी हलवाई से कम थोड़ी है। गाइस इनकी भाभी का चैनल है कुक सम मैजिक, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज डालती है, देखो मैं उनकी प्रमोशन करती रहती हूँ उनकी चैनल पे, कुक सम मैजिक पे बहुत अच्छी वो रेसिपीज डाल रही हैं आजकल खाने की, मीठे की और नाश्ते की, तो आप देख सकते हैं। तो बड़ा धुआं हो गया, एजॉक्स ला दो इनका। बस अभी ये थोड़ा सा मसाला पकेगा ना, इसमें पानी डाल देंगे। तुम्हारे उसके हलवाई बनना नहीं है। अच्छा समझ गया। तो गाइज अब इसके पक जाएगा, इसमें पानी डाल देंगे, और इसका लास्ट इंग्रेडिएंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो आपको बताऊंगी, फिर वो डालेंगे, उससे सब्जी जो है बिल्कुल टेस्टी बनेगी और हलवाई जैसी बनेगी। अब मैं सब्जी बना देती हूँ। वाओ आलू डल चुके हैं, आलू डल गए, पानी डल गया भाई, ये बन गई है अपनी आलू की सब्जी भंडारा स्टाइल, बन गई। वाह इसमें जोर ही नहीं पड़ा कुछ, पर अगली बार आप बनाओ। इसमें इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है चना मसाला, जिसमें आप इसको डाल देंगे ना चने मसाले से भंडारे जैसा टेस्ट आएगा इस सब्जी का, तो मैंने तड़के में ही डाल दिया थोड़ा सा बाद में। वैसे तो आप जब पानी वानी डाल के ऊपर से भी डाल सकते हो, तो उससे और अच्छा फ्लेवर आएगा। अभी थोड़ा डाला, थोड़ा सा और डाल दूंगी। पैकेट खत्म हो गया, एक पैकेट फ्रिज में रखा है, थोड़ा सा इसके ऊपर से डाल देंगे, तो इसका टेस्ट है ना बिल्कुल भंडारे जैसा होगा। ये मोटे मोटे आलू को तो आप फेंक देते हैं, सामने जन्माष्टमी लग रही है गली, मुझे लग रहा है ना आवाज आ रही है। पहले जन्माष्टमी हर साल ले जाते हैं तो बनाने, जब से बच्चे बड़े हुए हैं ना ले भी नहीं जाते। हाँ खुशबू आ रही बढ़िया। राइस धनिया बहुत महंगा हो गया है, सुबह मंगवाया था इनसे लेके नहीं आए, बताओ कह रहे 40 रुपये का 100 ग्राम दे रहा था, तो अब ये लेके नहीं आया इतना महंगा धनिया। वो बढ़िया भी नहीं रहा, शकुरपुर में लूट बढ़िया है, उस बाजार में 10 रुपये का 50 ग्राम मिल रहा था, उस दिन मैं थोड़ा सा लाइट नहीं था ना, सुबह के टाइम ताजा सब्जी नहीं मिलती, धनिया गल जाता है, शाम को मिलती ताजा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कथूरी मेथी, जिससे इसका फ्लेवर और बढ़िया आ जाएगा। तो गाइस अपना खाना बनकर हो गया है तैयार, आलू की सब्जी भी रेडी है और खीर भी रेडी है जो सेवियों की बनाई थी। तो अब सबसे पहले मैं पूजा भी करती हूँ, मैंने आज शाम की पूजा भी नहीं करी, और कान्हा जी को भोग भी लगाते हैं खीर का, क्योंकि उन्हीं का जन्मदिन है, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ये बनाई गई है, तो उन्हें भोग लगाना तो ज़रूरी है। तो गाइस अभी सुनील जी पूजा कर रहे हैं, ये पूजा कर लेते हैं तो फिर मैं पूजा कर लूँगी। तो गाइस हो गई हूँ तैयार, कर लिया है चेंज, और सासू माँ और पति देव को भी खाना खिला दिया है, क्योंकि इनका फास्ट नहीं है, तो इनको खाना वाना खिला के अब चलते हैं मंदिर। मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने ग्रीन सूट पहना है, और आज मैंने सूट भी जो है नया वेयर करा है। सुनील जी दिखाना एक बार, दिखाइए आप ऐसे। तो गाइस मैंने सूट भी जो है आज न्यू सूट वेयर करा है कान्हा जी के बर्थडे पे, ग्रीन बचा सूट वेयर करा है कान्हा जी के बर्थडे पे ग्रीन, और मैं हो गई फुल तैयार। और अब जेठानी भी को भी बोल दिया फोन करके, वो भी बहुत चल रही है, वो कह रही मैं तो रेडी हूँ, तो चलते हैं नीचे और थोड़ी देर नीचे बैठ के बातें करते हैं, और फिर चलेंगे मंदिर। तो राधे राधे।